खरगोन जिले में खाटू श्याम बाबा के एक भक्त ने बाबा से मिलने के लिए पैदल यात्रा शुरू की है, जिसका नगरवासियों ने स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी है। दरअसल खरगोन जिले की तालाब चौक निवासी गोपाल शर्मा ने क्षेत्र में सुख समृद्धि और अमन चैन शांति स्थापित करने के नाम पर बाबा खाटू श्याम से मिलने के लिए हाथ में झंडा लेकर पैदल यात्रा शुरू की है। 800 किलोमीटर की यात्रा तय करके गोपाला तकरीबन 25 दिन में खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुँचेंगे और क्षेत्र की खुशी के लिए प्रार्थना करेंगे। मीडिया से रूबरू बाबा के भक्त ने बताया कि बाबा के दरबार में पहली बार पैदल यात्रा कर पहुँचेंगे और क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों में जन जागृति लाएंगे। खरगोन तिवारी की रिपोर्ट। धीरे धीरे आओ, बोलो श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। मामा चौराहे ये 850 किलोमीटर की यात्रा है। विश्राम नाके से निकली है और उसके बाद में सीधा खाटू। क्या उद्देश्य है आपका वहाँ तक जाने के लिए? उद्देश्य यही है कि बाबा के जो भी दर्शन निशान के जो भी दर्शन करें, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आए और दुख दरिद्र से बाबा उसके कष्ट हरे। कब तक पहुँचोगे आप? कितने दिन में पहुँचोगे? एक दो तारीख तक पहुँचे, 1-2 मार्च में। हाँ गण, क्या आप अकेले हो? हाँ जी, बाबा साथ में। क्या नाम है आपका? गोपाला शर्मा। कहाँ रहते हो? तालाब चौक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।